पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईएससी 2013 में पूछा गया था, जूल्स एक्सपेरिमेंट स्टेट दैट फॉर अ साइकिल, क्या है? पहला ऑप्शन है चेंज ऑफ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज, चेंज ऑफ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर चेंज, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर चेंज, और द सम ऑफ ऑल द हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ ऑल वर्क ट्रांसफर। देखिए हमारा जूल्स एक्सपेरिमेंट क्या था, समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू जे समेशन ऑफ डब्ल्यू, जिसमें हमने क्या किया था, जे को इक्वल टू वन लिया था, ठीक है। तो क्या हो गया, क्यू इज सम ऑफ ऑल द हीट एनर्जी, यानी सम ऑफ ऑल द हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ ऑल द वर्क एनर्जी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा ईएससी 2015 में पूछा गया था। देखिए, अ क्लोज गैसियस सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑफ टू वायर इन विच 100 किलोजूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 0.2 मीटर क्यूब टू 0.1 मीटर क्यूब, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, ठीक है। देखो हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है, क्यू इक्वल टू डेल यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया ना, प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लिया है, ठीक है, और रिवर्सिबल लिया है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, पीडीवी वर्क ले सकते हैं, यानी कि पी वी टू माइनस वी वन ले सकते हैं, हाँ ठीक है, वर्क हमारा आगे पी वी टू माइनस वी वन, हमारा वी टू क्या है, 0.1 और वी वन क्या है हमारा, 0.2 आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्लो पास्कल में निकालना है, तो हमें क्लो पास्कल में निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2 × 10⁻², ठीक है, क्योंकि ये किसमें चेंज हो गया, वार में क्या होता है, 2 वार मतलब 2 × 10⁵ पास्कल, और उसको हमने क्या किया, क्लो पास्कल में किया, तो 2 × 10⁻², ठीक है। और हमारा क्यू क्या दिया गया है, कॉन्स्टेंट प्रेशर द हीट इज रिजेक्टेड, 100 किलोजूल ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, यानी कि हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो यानी कि क्या हो रही है, -100। इस साइन का आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो माइनस में लेंगे, और अगर सिस्टम में हीट इनपुट हो रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे, ऐसी वर्क का वर्क ऑन द सिस्टम है तो नेगेटिव, वर्क बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, -100, डेल्टा यू निकालना है, तो -100 W को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 20, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि -80 किलोजूल ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं जो ईएससी 2015 में पूछा गया था, व्हेन अ सिस्टम इज टेकिंग फ्रॉम द स्टेट एक्स टू स्टेट वाई, ठीक है, 30 किलोजूल ऑफ हीट फ्लोज into the system and system does 10 kilojoule of work. When the system returns from Y to X along the another path, work done on the system is 8 kilojoule. What is the amount of the heat is liberated or absorbed? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, X से एक X था, वहां से कहां जा रहे हैं, Y तक जा रहे हैं, ठीक है, एक अलग एक पाथ से X से Y की तरफ जा रहे हैं, और फिर y से फिर x की तरफ आ रहे हैं, यानी कि x से y की तरफ गए और y से x की तरफ गए दूसरे पाथ से, ठीक है। हमें मालूम है साइक्लिक, उसमें क्या होता है, जूल्स एक्सपेरिमेंट के हिसाब से साइक्लिक q इक्वल टू समेशन ऑफ q इक्वल टू समेशन ऑफ w, ठीक है। तो हमारा समेशन ऑफ q क्या है, क्या है, 30 किलोजूल ऑफ हीट फ्लोज इन टू द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को कितना हीट दे रहे हैं, 30 किलोजूल हीट दे रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, -30, क्योंकि हीट गिवन टू द सिस्टम है, ठीक है। और क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड और एब्जर्ब, ये हमें निकालना है, क्यू वाई से एक्स में क्या हो रहा है, निकल लिबरेट हो रहा है और एब्जर्ब हो रहा है, इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, पहले प्रोसेस में क्या है, 10 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम,
हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, सॉरी हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम नहीं था तो प्लस 30 होगा ये, ठीक है। और द सिस्टम डज 10 क्लोज जूल ऑफ वर्क, तो यहां पे क्या जाएगा प्लस 10 वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। और प्लस वाई टू एक्स अलोंग द अनदर पार्ट द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 8 क्लोज जूल, तो क्या आ जाएगा माइनस 8 वर्क ऑन द सिस्टम है, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, ये इस साइड ट्रांसफर होगा यानी कि 28 और ये आ जाएगा आपका माइनस 28 क्लोज जूल, तो यानी कि आपका क्या आएगा, हीट इज लिबरेटेड, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम, जो ESC 2014 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन सेम है, वही समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू, हर एक ईयर ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जा रहे हैं। समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए ये वाला फोर्थ वाला, अ सिस्टम एग्जीक्यूट अ साइक्लिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर आर टू प्रोसेस गिवन बिलो, दो प्रोसेस दी गई है, 1 से 2 और 2 से 1, ठीक है। तो इसमें देखिए साइक्लिक प्रोसेस हो गई, यानी कि 460 क्या है, 1 से 2 तक जा रहा है और 2 से 1 से यहाँ पे 100 क्लोज जूल आ रहा है। इसी तरीके से वर्क डन क्या हो रहा है, 1 से 2 210 क्लोज जूल आ रहा है। व्हाट इज द वर्क इंटरेक्शन इन द प्रोसेस 2 to 1, तो क्या करेंगे सिंपल, समेशन ऑफ क्यू, समेशन ऑफ क्यू क्या आ जाएगा आपका 560, दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वल टू 210 प्लस W 21, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये फोर्थ वाले क्वेश्चंस को आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका 150। जब इसको क्या करोगे, 560 हो गया, ये 560 में से क्या करोगे 210 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 550 क्लोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, ठीक है, ये अपने आप से करके देखिए, देखते हैं आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। देखिए, इफ द वर्क डन ऑन अ क्लोज सिस्टम इज 20 क्लोज जूल पर केजी एंड 40 क्लोज जूल पर केजी हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाय, क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा लेकिन देखते हैं आपका आंसर क्या आता है, आप अपने आप कीजिए फिर मेरे से मैच कीजिए आंसर, ठीक है। देखिए हमारा इक्वेशन क्या आता है, क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो क्यू इक्वल टू क्या आएगा आपका, वर्क डन क्या है 20, द वर्क डन ऑन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ऑन अ क्लोज सिस्टम यानी कि वर्क किस पे डन, काम कर रहे हैं इस पे कर रहे हैं, तो ये W क्या जाएगा माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 20। अब हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम तो माइनस 40, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, माइनस 20 यानी कि माइनस 40 प्लस 20 तो क्या आ गया आपका माइनस 20, आप सभी का माइनस 20 किलो जूल आ रहा होगा, तो ये सी ऑप्शन सही है लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पे साफ लिखा हुआ है, इफ अ वर्क डन ऑन अ क्लोज सिस्टम इज 20 एंड 40 किलो जूल हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस वाई, यानी कि इसमें पूछा गया कितनी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी तो केवल 20 किलो जूल डिक्रीज हो रही है ना, ये तो क्या हो रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिखा रहा है, माइनस 20 किलो जूल तो क्या दिखा रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डिक्रीज कितने से कर रही है 20 किलो जूल पर केजी से। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, इस चीज को देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया डिक्रीज वाई, वो मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा माइनस 20 किलो जूल पर केजी इस पर टिक लगा गया होंगे, लेकिन ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें पूछा गया डिक्रीज वाई 20 किलो जूल, अगर इसमें पूछा गया था चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो क्या था माइनस 20 किलो जूल, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कंप्लीटली मेल्टेड इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 bar प्रेशर, ठीक है। 1 kg आइस थी उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, उसको वाटर में चेंज किया एट 1 bar पे, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 333 क्लोज जूल पर केजी। लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब जो हीट प्रोवाइडेड होती है वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर व्हेन द आइस इज मेल्टेड टू वाटर, ठीक है, और सॉलिड टू लिक्विड कह सकते हो, ठीक है, एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस,
केजी पर मीटर क्यू एंड 916 केजी पर मीटर क्यू रिस्पेक्टिवली. व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द वर्क डन एंड एनर्जी ट्रांसफर्ड एज द हीट फॉर द प्रोसेस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है और एनर्जी ट्रांसफर निकालना है. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क डन क्या होता है हमारा, अगर हम बात कर रहे हैं सिंपल पीडीवी वर्क की, तो पीडीवी पी डीवी ठीक है, वन से टू तक ले जा रहे हैं, वन से टू तक लेके जा रहे हैं. अब इसमें पी तो कांस्टेंट है, वन बार लेके चल रहे हैं, तो यहां पे क्या जाएगा, 10³ किलो जूल में निकाल के चल रहे हैं, 10⁵ जूल में निकाल के चल रहे हैं. ठीक है, इनटू डेल्टा भी है तो वी करेंगे तो वी टू माइनस वी वन. अब यहां पे हमें वॉल्यूम तो दिया नहीं गया, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या दिया गया, 1 kg ऑफ आइस दी गई है, 1 kg ऑफ आइस दी गई है. तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, एम दिया गया है, एम कितना दिया गया, 1 kg दिया गया. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या जाएगा आपका, मास अपॉन डेंसिटी, तो 1/ρ हो जाएगा राइट, क्योंकि मास हमें कितना दिया गया, 1 kg दिया गया. ठीक है, यहां पे पुट कर देंगे, यानी कि 1/ρ2 माइनस 1/ρ1. ठीक है, ρ2 क्या आ गया आपका, कहां से कहां तक ट्रांसफर हो रहा है, आइस से वाटर में हो रहा है, यानी कि वाटर क्या आ गया, ρ2 हो गया आपका. तो ρ2 क्या आ गया आपका, यहां पे देखिए वाटर क्या दिया गया, 999.0 केजी पर मीटर क्यू. तो यहां पे क्या आएगा, ρ2 999.0 केजी पर मीटर क्यू, और ρ1 क्या आएगा, 916 यहां पे आ जाएगा. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी W की वैल्यू आएगी, अब अपने आप से सॉल्व करके देखिए इसे, और W की वैल्यू आएगी आपकी -9.4 ठीक है जूल, -9.4 जूल. और आपको देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा, क्योंकि क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो हम उसको एल से डिनोट कर रहे हैं, एफ से डिनोट कर रहे हैं, इनटू एफ, एम कितना है, 1 है, फ्यूजन कितना है, 333 क्लोज पर के जी, तो ये क्या आ जाएगी आपकी, हीट आ जाएगी. ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, समझ गए ना. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, 2017 पूछा गया था, इजी क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू फॉर प्रोसेस इज, साइक्लिक इंटीग्रल पूछा गया फॉर द प्रोसेस, तो कितना होगा आपका, ये आपका 0 होगा जूल्स एक्सपेरिमेंट के हिसाब से. ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्यू इक्वल टू क्या होता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू कर लीजिए. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, असर्शन. ठीक है, द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंटरनल स्टेट ऑफ अ बॉडी. देख ले, देख रहे हैं आप इसमें कितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, मैंने कितना 2-3 टॉपिक ही पढ़ा है इसमें उठाया, और इसमें देखिए कितने हर साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें मिला है, और सारे के सारे क्वेश्चन ईजी है. ठीक है, बस उनकी लैंग्वेज आपको समझनी होगी. तो 8th वाले क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंटरनल स्टेट ऑफ द बॉडी एस डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर प्रेशर एंड कंपोजिशन. रीजन क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट इंक्लूड एनी एनर्जी डेट इट मे प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक पोजिशन और मूवमेंट. सबसे पहले क्या है, देखिए द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द इंटरनल स्टेट ऑफ द बॉडी, ट्रू, एज डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिटरमाइंड करते हैं, प्रेशर से डिपेंड करते हैं, और कंपोजिशन से डिटरमाइंड करते हैं. ठीक है, तो ये इंटरनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट इंक्लूड एनी एनर्जी डेट इट मे प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोजिशन. हमारी ये क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक पोजिशन पर डिपेंड करती है, माइक्रोस्कोपिक पे. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि मूवमेंट हो गया, और पोजिशन पर डिपेंड नहीं करती है, MGH. ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती, माइक्रोस्कोपिक पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है. ठीक है, अब इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये केवल किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर प्रेशर और कंपोजिशन पे, इन चीजों पे डिपेंड तो कर नहीं रही है, वेलोसिटी या हाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो ऑप्शन ए
सही है, ए बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9th में आते हैं, अ गैस इज कंपोज इन अ सिलेंडर बाय अ मूवेबल पिस्टन टू अ वॉल्यूम ऑफ वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ड्यूरिंग द प्रोसेस 300 किलोजूल ऑफ हीट लेफ्ट द गैस एंड द इंटरनल एनर्जी रिमेन सेम, द वर्क डन ऑन द गैस इज। देखिए पहले क्या किया, गैस कंप्रेस्ड हुई अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से हाफ वॉल्यूम तक, ठीक है, उसमें क्या हुआ 300 किलोजूल ऑफ हीट लेफ्ट द गैस, यानी कि कितना होगा हीट बाहर निकली, यानी कि -300 किलोजूल हो जाएगा क्यू। अब इसमें देख कहा गया कि इंटरनल एनर्जी क्या है, जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, तो वर्क ऑन द गैस कितना हो जाएगा सेम इक्वल टू हो जाएगा 300 के, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर आते हैं, अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम पर डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज गिवन बाय द इक्वेशन। कुछ इक्वेशन से दे रहे हैं डी क्यू इक्वल टू टी डी टी 2.0 केल्विन जूल पर डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन बाय द सिस्टम पर डिग्री इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब ये क्या दे दिया इन्होंने, वर्क डन दे दिया इतना हो रहा है, ठीक है, पर चेंज इन डिग्री टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द वाटर वेरीज फ्रॉम, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस पे ये चेंज हो रहा है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकालना है, ये ईएससी 4 में पूछा गया था। देखिए हमारी इक्वेशन क्या होती है, हम इसको पर डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कैसे, जैसे हमने लिखा डी क्यू वाई डी टी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी क्यू हमेशा क्या होता है इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल होता है ना, तो हम इसको इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखना, प्लस डब्ल्यू भी होता है इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। हर टॉपिक को रिलेट करके चलो, जैसे हमने मैंने पहले बताया था उस टॉपिक को इस टॉपिक को रिलेट करके चलो, इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल होता है तो आपको याद आ जाएगा, यहां पे साइन लगाया तो इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, तो क्यू और डब्ल्यू क्या होता है इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं और पाथ फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो तुरंत उससे कनेक्ट किया करो। अब इसमें क्या है डी क्यू बाई डी टी है, तो डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या है और डी यू बाई डी टी है और डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है, हमें क्या निकालना है डी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे उस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो डी यू इक्वल टू क्या जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी माइनस डी क्यू बाई डी टी प्लस, सॉरी डी क्यू बाई डी टी तो प्लस ही रहेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी, इसको साइड ट्रांसफर करेंगे माइनस डी डब्ल्यू बाई डी टी, और टी को हमने क्या किया साइड ट्रांसफर किया तो इन टू डी टी, ठीक है, और हम क्या करेंगे अब डी क्यू बाई डी टी हमारा क्या है ये है और डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारा क्या है ये है, तो दोनों को जब पुट करेंगे इसमें और फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा जब इंटीग्रेट करेंगे इसको, और टू माइनस क्या हो जाएगा टू माइनस 0.1 टी, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि आ जाएगा 0.1 टी डी टी, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट किसके बीच में करना है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर, मैं इसको इंटीग्रेट करना है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1 टी स्क्वायर बाई टू, और कहां से कहां तक लेके जा रहे हैं आप 100 से 150 तक, इसका आंसर आप निकालिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर आपका आएगा 625 किलोजूल, यानी कि ऑप्शन सी आएगा, ठीक है, इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, समझ गए हो गया, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 11th पे, व्हेन अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू बी अलोंग द पाथ ए सी बी, पहले क्या किया ए टू बी लेके जा रहे हैं, किस पास से लेके जा रहे हैं ए सी और बी के पास से लेके जा रहे हैं, ठीक है, 180 किलो जूल ऑफ हीट फ्लोस इन टू द सिस्टम, यानी कि क्यू हमारा क्या आ रहा है 180 किलो जूल आ रहे हैं जब हम इस पास से जा रहे हैं, एंड इट डज अ 130 किलो जूल ऑफ वर्क, और कितना काम कर रहे हैं क्या कितना काम कर रहा है ये सिस्टम 130 किलो जूल काम कर रहा है अगर हम ए सी बी से जा रहे हैं,
ठीक है, हाउ मच हीट विल फ्लो इन टू द सिस्टम अलोंग द पाथ ए डी बी। अगर हम इस पाथ से गए, ए डी बी पाथ से गए, तो कितना हीट फ्लो होगा इफ द वर्क डन अलोंग द पाथ इज 40 किलो जूल। और अगर वर्क डन कितना है अलोंग द पाथ, 40 किलो जूल है। तो सबसे पहले देखिए, हम जा तो रहे हैं ए से बी के पास ही, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, यानी कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो दोनों की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, चेंज इंटरनल एनर्जी सेम होगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ लिखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन लिखेंगे फॉर एसीवी। एसीवी के लिए क्या हो जाएगी, क्यू, एसीवी के लिए लिख रहा हूं मैं, क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू डी यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इसमें क्या है, क्यू इसमें आपका है 180, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू मैं साइड ट्रांसफर कर ले रहा हूं, -130। तो हमारा क्या आ गया, आपका डेल यू आ गया। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 50। अब देखिए यहां पे इसका इसका भी डेल्यू सेम होगा, क्योंकि ए से बी तक जा रहा है, पॉइंट फंक्शन होता है, तो हमारा इंटरनल एनर्जी कोई चेंज फर्क नहीं आएगा, कोई भी पास से जाए। तो हमारा क्या आएगा, इसके लिए लिखेंगे हम Q इक्वल टू U, कितना हो जाएगा इसके लिए डेल्यू, 50, और W कितना है इसमें, 40 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा, 90 किलो जूल। यानी ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमेशा रखिए, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, इसकी पॉइंट फंक्शन है, तो वो पांच के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन अ क्लोज सिस्टम द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर टू अ गैस इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टू द इंटरनल एनर्जी रिजल्टिंग इन अ इंक्रीज इन द गैस टेम्परेचर। ठीक है, तो हमें क्या कर रहे हैं, जो हम क्लोज सिस्टम में जो हम हीट दे रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, थर्मल एनर्जी हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है, जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो, यानी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में क्या होता था, वर्क डन जीरो होता था, और हमारा क्या होता था, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो हो गया तो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो गया आइसो, तो हमारा क्या हो गया, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हम किसको करते हैं, आइसो कोरिक प्रोसेस को। ठीक है, ये प्रोसेस मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, जो नॉन फ्लो प्रोसेस है, जो फर्स्ट लॉ हम इम्पोज करेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस में, तो हम सारी की सारी ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट, इसको बताना है आपको। देखिए क्या होता है, हीट किसके इक्वल, चेंज इन एंथैल्पी किसके इक्वल होना चाहिए, हीट ट्रांसफर के। कब होगी चेंज इन एंथैल्पी हीट ट्रांसफर की, जब हमारा कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, जब मैंने अभी